नमस्कार, मैं गगन सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो आइए बात करते हैं क्लास टेंथ के सिलेबस के बारे में। नाइन्थ का सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए, क्लास टेंथ के सिलेबस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं आपको पहला यूनिट इसका जो नंबर सिस्टम है उसके सिलेबस के बारे में कुछ डिटेल दूंगा। बाकी क्लास टेंथ के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, पहली यूनिट जो है उसकी नंबर सिस्टम की है, और जो बाकी यूनिट्स हैं उनको मैं ओरली डिफाइन कर देता हूँ। बाकी जिस तरीके से मैं आगे पढ़ाता जाऊँगा, बाकी चीज़ों को धीरे धीरे लिखते हुए आपको समझाता चला जाऊँगा। तो देखिए, पहली यूनिट क्या है, उसकी नंबर सिस्टम है, और अब बाकी यूनिट है जो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। जो नेक्स्ट यूनिट है इसका, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गई, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा आपसे पहला यूनिट जो नंबर सिस्टम का है उस पर। तो देखिएगा, नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें जो क्लास नाइन्थ की हैं, आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए होंगे, तो चीज़ें होती क्या है, धीरे धीरे भूलती चली जाती है। तो उनको रिवाइज करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप वो जो पिछले वीडियो है नंबर सिस्टम पे क्लास नाइन्थ के, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि नंबर सिस्टम में जैसे चैप्टर आपका रियल नंबर है, तो उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको दिए जाएंगे। जैसे आपको पहला देर लिख रखा है मैंने यूक्लिड्स का डिविज़न लेमा, ठीक है, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तीसरा है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, और लास्ट टॉपिक जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो जिसमें आपको चीज़ें रियल नंबर क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी पिछले वीडियो में, क्लास नाइन्थ का जो नंबर सिस्टम का वीडियो है, तो उसमें मैंने बहुत ही शुरुआती दौर से सब कुछ बता रखे हैं। जैसे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होंगे, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी क्लास टेंथ के मैथ के हिसाब से, उसके सिलेबस के हिसाब से हम धीरे धीरे चलते चले जाएँगे। तो देख लीजिएगा, सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम में ये इतनी चीज़ें, आपके पहला यूनिट है उसके रियल नंबर चैप्टर में ये इतनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिसमें क्या है यूक्लिड का डिवीज़न लेमा। जैसे आप जानते हैं, पहले तो ये जान लीजिए यूक्लिड थे कौन। जैसे आपने पढ़ रखा है कि एचसीएफ निकालना है, जिसको आप बोलते हो मस, हिंदी में क्या बोलते हैं मस, तो एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालने के दो विधियां आपने पढ़ रखी है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा डिवीज़न मेथड होता है, जो आपका लिख रखा है हमने यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा, ठीक है, यही आपका है। यूक्लिड्स ने ही जो भाग विधि थी, भाग विधि से मस निकालने का तरीका, वो उसको किसने दिया था, यूक्लिड्स ने दिया था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और बाकी चीज़ें डेसिमल के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है वीडियो में, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आप बाकी चीज़ें रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हर चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखिए, पहली चीज़ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम यूक्लिड्स के डिवीज़न लेमा पे। तो लेमा मतलब क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको आप प्रूफ करके दिखाओगे, ठीक है, या कह सकते हैं जैसे हिंदी में जो आप कहते हो प्रमेय, ठीक है, तो वो चीज़ें है। तो देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में है क्या, जैसे हमने कह दिया कोई दो इंटीजर हैं, ए है और बी है, ठीक है, अब बी से ए को क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, बी से ए को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप पहले तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, आपको पता होगा कि डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वाइसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, सॉरी, ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज है यहाँ पे। तो उसको समझिएगा कि डिवाइडेंड जिसको आप बोलते हो हिंदी में भाज्य, डिवाइजर भाजक, ये होगा आपका भाग
क्वाइसेंट, और रिमाइंडर मतलब शेष फल, ठीक है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे आपके यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, तो हमने बोला कोई दो इंटीजर हैं ए और बी। अब ए को क्या करना है, बी से डिवाइड करना है। बी से डिवाइड करने पर जो क्वाइसेंट है, भागफल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और उसका जो शेषफल है रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो उस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या है, डिवाइडेंट, बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, क्वाइसेंट, आर क्या है, रिमाइंडर, आर क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो यूक्लिड्स ने यही कहा कि अगर हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, जो उसका भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। किस तरीके से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 628 ले लेते हैं हम, इसको किससे डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 25 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा, तो देखिए 628 इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये जो 25 आया कितनी बार जा सकता है, तो डिवाइड कर लेते हैं 625 2 50, 50 यहाँ से बच जाएगा 128, फिर 5 25 25 5 125, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 25, और रिमाइंडर कितना बच सकता है, ऐसे कर लीजिए आप, 25 × 25 कितना आ जाएगा 625, और 3 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, उसको क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, ठीक है। तो यूक्लिड्स ने यही मेथड दिया। अभी आपका आगे जिस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसी तरीके से आपको एचसीएफ निकालने के लिए देगा, जो भाग विधि होती है, ठीक है। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। तो पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा आप, यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा क्या है। तो हमने आपको बता दिया, किसी भी संख्या को जब दूसरी संख्या से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, जो उसका भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दिखा दिया। अब इसी में मान लीजिए अगर इस तरीके से बोल दिया जाए इसको कि हमने 25 से किसी संख्या को भाग दिया, हमने डिवाइड किया किसी नंबर को 25 से, तो डिवाइड करने पर जो भागफल आया मतलब डिवाइजर आया वो भी 25 आया, और रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, तो वो नंबर बताइए। तो आप आसानी से कर सकते हो, इस पे आ जाइए, आपका डिवाइजर दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, डिवाइजर क्या है 25, रिमाइंडर कितना आ रखा है 3, और क्वाइसेंट क्या है 25। तो आप इस वैल्यू को इसमें रख के अब नंबर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारा नंबर कितना मिल जाएगा 628, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि एचसीएफ निकालने का डिवीज़न मेथड किसने निकाला था, यूक्लिड्स ने। तो ये तरीका आप समझ चुके होंगे, ये छोटे बच्चों को बताया जाता है। तो थोड़ा सा एक डिवीज़न के तौर पे हमने आपको ये बता दिया, बाकी चीज़ों पे हम कल चर्चा करते हैं कि यूक्लिड्स का डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होगा, जिस आप उससे निकाल सकते हैं कि एचसीएफ हम कैसे, किन्हीं दो नंबरों का या तीन नंबरों का एचसीएफ हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।